वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मुझे ये बता दो, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? आई ट्राइड टू क्रिएट बीची वेव्स एंड आई थिंक अच्छा ही लग रहा है ना, मतलब मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं वापस ऐसे बनाती रहूंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से कहा था कि गिव मी वीडियो सजेशंस जो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो। काफी सारे लोगों ने बोला दी स्टाइलिंग वीडियो करो एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे स्टाइलिंग वीडियोज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैंने ज्यादा नहीं किया ऑल्दो अपने चैनल पे, बट पहले मैं किया करती थी, फिर पता नहीं बीच में थोड़ा हॉल्स वाला ज्यादा हो गया एंड स्टाइलिंग वाला पार्ट आई रियलाइज कि मैंने थोड़ा कम कर दिया था, बट मुझे उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज जिस चीज को हम स्टाइल करने वाले हैं वो है ये, आई थिंक इनको टेपर्ड या फिर कैरेट पैंट्स, जो आपकी मर्जी वो बोल सकते हो। अगर आप मेरे सारे अर्बैनिक के हॉल्स देखते हो तो आपने ये वाले पैंट्स जरूर देखे होंगे। एग्जैक्ट सेम पैंट्स मेरे पास बेज कलर में भी है, पिंक में भी है और ब्लैक में भी है, और तीनों ही अर्बैनिक से है। लिंक में डाल दूंगी सारे पैंट्स का, मुझे जो भी सिमिलर पैंट मिलेंगे, एग्जैक्ट पैंट मिलेगा जो भी मिलेगा मैं इसका लिंक डाल दूंगी, बिकॉज हर किसी के पास ये होना ही चाहिए। आई कांट इवन टेल यू कितने ज्यादा वर्सटाइल है ये। एक्चुअली आपको इस वीडियो के थ्रू भी पता चल जाएगा दैट दीज पैंट्स आर सुपर डुपर वर्सटाइल। आई एम सो एक्साइटेड, वीडियो को लास्ट तक देखना, आई एम श्योर आपको बहुत सारे लुक्स पसंद आने वाले हैं। एज यूजुअल मैंने सारी चीजें लिख ली है, मैंने 8 आउटफिट्स क्रिएट करे हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, सो सबसे पहले जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो मैंने एक ग्रे जिपर स्वेटर के साथ किया है, बिकॉज ब्लैक के साथ ऐसे न्यूट्रल कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली ग्रे। तो मैंने इस तरीके का जिपर वाला ग्रे स्वेटर स्टाइल किया एंड दिस वन इज फ्रॉम H&M। बाकी मैं जितने भी आउटफिट्स आपको दिखा रही हूँ ना, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, फिर चाहे वो शूज हो, बैग्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके नीचे जो मैंने शूज पहने हैं, मैंने कल एक स्टोरी डाली थी उसमें मैंने सेम शूज पहने थे इंस्टा पे, एवरीबडी वॉज आस्किंग कि मैंने शूज कहाँ से लिए हैं। तो मैंने ये शूज सरोजनी से लिए हैं, दीज आर ड्यूप ऑफ न्यू बैलेंस, 3200 रुपीज का कुछ मुझे ये पड़ा है, बिकॉज एक्चुअल वाले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी लगे। शॉप नंबर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, अपनी फ्रेंड से पूछ के बताऊंगी, बिकॉज वही मुझे वहां पे लेके गई थी। इसके अलावा अगर मैंने कोई शूज पहने हैं तो वो नाइकी के शूज है, वो ओरिजिनल नाइकी है जो मैंने आई थिंक अमेजोन या मिंत्रा, इन दोनों में से किसी एक जगह से मंगाई थी। जहां से भी मंगाया था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू नॉट वरी। तो जो ये पहला लुक है मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, इसकी फिटिंग वगैरह, पैंट्स की फिटिंग तो अमेजिंग है ही, प्लस जो ये स्वेटर है H&M का, दिस इज अगेन सो क्लासी, सो शीक, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अगर ज्यादा ही ठंडी लग रही है तो एक पफर जैकेट डालो ऊपर और मे बी एक लॉन्ग कोट डालो, जो भी आपके पास, एंड यू जस्ट गुड टू गो। मुझे फर्स्ट आउटफिट बहुत ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ही सिंपल, क्लासी, एलिगेंट, सो आई रियली लाइक दिस आउटफिट। ओके, नेक्स्ट अप जो है, मैंने अपने इस ब्लैक पैंट को एक ग्रे बॉम्बर जैकेट के साथ स्टाइल किया है। सो बेसिकली मैंने न्यूट्रल पैलेट्स ही रखे हैं, ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं किए, बिकॉज ब्लैक के साथ पर्सनली मुझे ग्रे, वाइट, बेज ये कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो बॉम्बर जैकेट है, दिस इज अगेन फ्रॉम H&M एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे ये जैकेट इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती, स्पेशली इसका बैक, उस पर पिंक में आई थिंक कैलिफोर्निया लिखा हुआ है। दिस जैकेट इज जस्ट सुपर्ब। मैंने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से स्टाइल किया, अंदर मैंने बस एक ब्लैक टैंक टॉप डाला हुआ है, बिकॉज इस तरीके की चीजें ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता ही है, इसलिए मैंने वही चीजें डाली है। बट पीछे जैसे जैकेट पे पिंक से कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, तो आप अंदर भी कुछ पिंक टॉप क्यूट सा डाल सकते हो, पिंक हाईनेक डाल सकते हो, यू नो, कुछ भी पिंक भी ऐड कर सकते हो, व्हाइट विल ऑल्सो गो, ब्लैक तो जा ही रहा है, तो आप इन तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। सर्दी के हिसाब से आप देख लेना, टैंक टॉप डालना है, जो डालना है, स्वेटर डालना है, जो भी, वो तो आपकी मर्जी है, बट आई थिंक ये तीन कलर्स इस जैकेट के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और जो मैंने अंदर टैंक टॉप पहना है वो मैंने बहुत पहले मीशो से लिया था, उसका भी मैंने हॉल बहुत पहले डाला हुआ है। सो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो थर्ड आउटफिट है ये बहुत ज्यादा पिंटरेस्टी है, मैंने पिंटरेस्ट पे हजारों करोड़ों बार ऑलरेडी देखा हुआ है। इनफैक्ट आप इस वीडियो में जितने भी आउटफिट्स देखोगे आपको सारे के सारे लुक्स पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगे, बहुत ही पिंटरेस्टी आउटफिट्स मैंने क्रिएट करे हैं। तो जो थर्ड वाला है ना, इसमें मैंने एक व्हाइट स्वेटशर्ट लिया, ये भी बहुत वार्म है अंदर से, बहुत कोजी है। पहले मैंने व्हाइट स्वेटशर्ट लिया एंड ब्लैक पैंट डाला, दैट इज इट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, ठंड है ज्यादा, वेयर अ कट स्लीव पफर जैकेट एंड ऐसा एग्जैक्ट सेम आउटफिट मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था,
ऑल्सो उसमें जो उस लड़की ने शूज़ पहने थे नाइकी वाले, वही मैंने फिर ऑर्डर किए थे। मैं आपको इंस्पो वाली फोटो डाल दूंगी यहाँ पे। ये जो एग्जैक्ट लुक है ना, मुझे कितने टाइम से रिक्रिएट करने का मन था, बट ऐसा लगता था कि पता नहीं यार ये कपड़े कहाँ मिलते क्या मिलते हैं। बट जो मैंने क्रीम स्वेटशर्ट पहना है ये भी H&M का है, और जो पफर जैकेट है ये मेरी बहन किसी दिल्ली के मार्केट से लाई थी, आई थिंक लाजपत नगर या बजनू का टीला, आई एम नॉट श्योर। बट ये इस तरीके के जैकेट्स आपको इजीली मिंत्रा पे, अर्बैनिक पे, H&M पे मिल जाएंगे। जो भी मुझे सिमिलर ऐसे लिंक्स मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डू नॉट वरी। मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, मैं थोड़ा H&M से ज़्यादा शॉप करती हूँ, इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें H&M की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अफोर्डेबल भी होता है यार और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी होता है, वर्सेटाइल होता है, इसलिए ज़्यादा मेरा H&M रहता है। लेट मी नो आपको ये वाला लुक कैसा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ओके, जो नेक्स्ट है, दिस इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैंने इसमें ऑल ब्लैक लुक क्रिएट किया है। सो इसमें मैंने ब्लैक पैंट्स के साथ पहना है एक ब्लैक जैकेट, बहुत ही डिफरेंट जैकेट है, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। दिस इज अगेन फ्रॉम H&M एंड आई थिंक दिस वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दिस जैकेट इज सो गुड एंड आई लव द स्लीव्स। जिस तरीके की बैगी स्लीव्स मुझे पसंद है एग्जैक्टली वैसी है, एंड यहाँ से भी एकदम ब्रॉड, आई जस्ट लव्ड इट टोटली। अंदर मैंने आई थिंक वही ब्लैक टैंक टॉप ही डाला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज अंदर मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही थी, बट दैट जैकेट इज सो वॉर्म। दिस आउटफिट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई लव्ड इट टोटली। इसके भी साथ मैंने अपना वही ग्रे सा बैग H&M का वो डाला था, was looking so good. I really liked it. I loved it. Love this outfit. I love black na, that's why maybe. Okay, next up is a very very cute outfit and ये तो चाहे आप समर्स में भी डाल सकते हो। वो जो मैंने फिफ्थ आउटफिट क्रिएट किया है वो मैंने किया है एक ग्रे बॉडी सूट के साथ, एंड दिस वन इज अगेन फ्रॉम H&M। सो ये जो बॉडी सूट है ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है एंड अचानक से मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है वो पहन के देखते हैं कैसा लगेगा, मुझे पता था अच्छा ही लगेगा एंड इट वाज एक्चुअली लुकिंग सो गुड। एंड बिकॉज फ्रंट से थोड़ा सा वो डीप नेक है तो मैंने अंदर वही ब्लैक टैंक टॉप डाला हुआ था, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम मस्त लग रहा था। इसका फैब्रिक थोड़ा सा से वॉर्म वाला है, बहुत ज़्यादा वॉर्म नहीं है बट हाँ थोड़ा सा वॉर्म है, गर्मियों में मैं इतना नहीं पहन सकती हूँ उसको, तो मैं अभी इसको पहन डालूंगी। बाहर अगर जाऊँगी तो इसके ऊपर मैं ब्लैक पफर जैकेट डालूंगी एंड दैट इज इट। बहुत ही प्यारा टॉप है, आई लिटरली लव्ड इट। मैं इतना ज़्यादा ऐसे जब भी मैंने पहना इसको बार बार में से छू रही थी बिकॉज इट्स सो सॉफ्ट एंड या आई रियली लाइक इट। बॉडी सूट्स की फिटिंग हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ही अमेजिंग। ये भी मुझे इतने अच्छे से हक कर रहा था या ये वाला आउटफिट भी बहुत क्यूट लगा मेरे को। एक्चुअली मैं बात ये कि जो ये टेपर्ड पैंट्स है ना, इनके ऊपर आप कुछ भी डालो, आप ट्राई करना, कुछ भी टॉप, कोई भी स्वेटशर्ट, कोई भी हुडी, कुछ भी इस पे गंदा लग ही नहीं सकता बिकॉज इनकी फिटिंग ही ऐसी है। दे लुक अमेजिंग, दीज पैंट्स आर अमेजिंग। आई थिंक मुझे ज्यादा आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में देख रहे होंगे कितने अमेजिंग है ये पैंट, सीरियसली। ओके, सो जो हमारा सिक्स्थ आउटफिट है, दिस इज अगेन वेरी पिंटरेस्टी। तो सबसे पहले तो मैंने इस पैंट के साथ डाला था एक वाइट कलर का स्क्वायर नेक वाला टॉप, अगेन फ्रॉम H&M, बहुत पहले लिया था ये मैंने, आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल लिया होगा। स्क्वायर नेक वाले टॉप्स मेरे पास हजारों, आई थिंक H&M पे जो भी स्क्वायर नेक लाइन वाले टॉप है वो सारे मेरे पास हैं। तो जब समर्स आएंगे तो मैं ऐसे ही घूमूंगी, बट बिकॉज अभी विंटर्स है तो इसके ऊपर मैंने डाल लिया था एक ब्लैक लॉन्ग कोट, दिस इज अगेन फ्रॉम H&M, जो मैंने इसी साल लिया है। ओ माई गॉड, इट वॉज लुकिंग सो गुड, वेरी नाइस। और इसके साथ आई थिंक मैंने अपने नाइकी शूज डाले थे, परफेक्ट आउटफिट लग रहा था। और एक ग्ले कलर का मैंने मफलर डाला हुआ था, दैट्स अगेन फ्रॉम H&M, मैंने मनाली जाने से पहले लिया था। सो वही है कि कुछ भी मिक्स एंड मैच करके डाल लिया इसके ऊपर, बस न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए, सब अच्छा लग रहा था। आई जस्ट कांट वेट टू वेयर दीज पैंट्स इन समर्स। जो भी मेरे को टॉप मिलेगा मैं इन पैंट्स के साथ डालने वाली हूँ बिकॉज आई जस्ट लव देम, सीरियसली। जो मैंने जैकेट पहनी है ना ब्लैक वाली, दैट इज सुपर वार्म। और ये भी आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही लो। आई थिंक टोक्यो टॉकीज और इस तरीके के ब्रांड्स पे सिमिलर जैकेट्स बहुत ही अफोर्डेबल मिल जाती है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाती है। तो मैं एग्जैक्ट वाला मिलेगा तो वो लिंक तो मैं डालूंगी, बट उनके अलावा हर एक आइटम का मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स भी डाल दूंगी जो अफोर्डेबल रेंज में होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो वाली चीज़ें आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप जो है उसमें मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, वही वाइट टॉप है, वही पैंट, वही नाइकी शूज़, बस ऊपर मैंने एक कलर ऐड किया, दैट्स पिंक। ब्लैक के बाद अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, न्यूट्रल कलर्स के बाद अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, दैट्स पिंक। मैंने अभी रिसेंटली ये पिंक ब्लेजर लिया तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, एंड इट वॉज लुकिंग सो
गुड, बहुत ही अच्छा. डेफिनेटली ये जो पिंक ब्लेजर है इट्स नॉट वॉर्म. आप इसको गर्मियों में भी डाल सकते हो और सर्दियों में अंदर एक स्वेटर के साथ डाल सकते हो. मैंने अपने वाइट टॉप के साथ डाला था और अगर मैं कभी बाहर पहनूंगी तो मैं इसको अपने वाइट स्वेटर के साथ डालूंगी. बेसिकली अंदर मैं कुछ वाइट ही प्रेफर करूंगी और मे बी ब्लैक. ब्लैक भी चला जाएगा और वाइट भी चला जाएगा, दोनों में से कुछ भी. तो मैंने वाइट ट्राई किया एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग. आई लव्ड इट. आई लव्ड दिस ब्लेजर एज वेल. मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं था, वेरी कैजुअल. एंड अगर ऑफिस में पहन के जाना है तो फॉर्मली भी स्टाइल कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बट लव दिस ब्लेजर. वी हैव कम टू द लास्ट लुक ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट एंड दैट इज दैट्स दिस वन. सो मैंने सबसे पहले ये टॉप पहना था, दिस क्यूट टॉप. ये मैंने अभी बहुत ही रिसेंटली H&M से लिया. इट वॉज गिविंग ग्रेचल. मैं कैसे नहीं लेती. जब मैंने इसको पहना भी मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई रेचल का लुक रिक्रिएट किया. आई डोंट नो अगर उसने कभी ऐसा पहना भी है या नहीं, बट बताइए मेरे दिमाग में सबसे पहले रेचल आई एंड दिस होल आउटफिट वॉज लुकिंग सो क्यूट. आई कांट वेट फॉर समर्स. आई स्वेयर आई जस्ट कांट. समर्स में इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, इतने क्यूट क्यूट टॉप्स आप पहन सकते हो. विंटर्स में वही कुछ भी पहनो, ऊपर जैकेट डालो, इतना मजा नहीं आता मुझे ऑनेस्टली. एंड जो उसमें कलर्स हैं ब्लैक वाइट ग्रे, इन पैंट्स के साथ मस्त लग रहा था. कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, बट बिकॉज अभी सर्दियां चल रही हैं तो मैंने ऊपर डाल लिया था एक पफर जैकेट जो अभी यहीं पड़ी हुई है. ये वाली जैकेट आपने अभी बहुत ही रिसेंटली एक आधा महीने में मेरे H&M हॉल में देखा होगा, तो H&M से ही लिया था. बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा वार्म है, तो इस तरीके की जैकेट्स तो होनी चाहिए सबके पास, स्पेशली ऐसे न्यूट्रल कलर्स में, ब्लैक वाइट इन कलर्स में है तो बस यू आर सॉर्टेड. या गाइस दैट इज इट. आई रियली होप आपको ये स्टाइलिंग वीडियो अच्छा लगा हो. मोस्टली चीज़ें वर फ्रॉम H&M, बट मैं क्या करूँ, मेरा आधे से ज़्यादा वार्डरोब जो है वो H&M से ही भरा हुआ है. बट आई डेफिनेटली ट्राई अदर ब्रांड्स एज वेल, अदर अफोर्डेबल ब्रांड्स. बट डोंट वरी अगर इसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, उसके सिमिलर प्रोडक्ट का लिंक्स भी मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, ताकि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम चीज़ आपके पास हो. कुछ भी सेम कलर पैलेट में सेम स्टाइल की कोई जैकेट टॉप जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आपके पास है, देन यू आर सॉर्टेड. कुछ भी एग्जैक्ट सेम लेने की जरूरत नहीं है. और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, सेम चीज़ मिल जाती है, तो उससे बढ़िया क्या है. So yeah guys, I really hope you enjoyed this video, and if you did then please make sure you subscribe to the channel and video ko like kar dena if you really liked it. Wo mere liye bahut zyada important hai. Comment mein batana aapko sabse zyada acha look kaun sa laga. Aise hi kuch styling related kuch ideas hai dimag mein, just let me know. And I'll see you next time in my next video. Bye. And I hope aapko mera aaj hairstyle acha laga hoga.